बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब से समीक्षा मीटिंग की है तब से मीडिया गठबंधन को लेकर अपने अपने नजरिए से क्रिया प्रतिक्रिया दोनों दिखाने लग रहे हैं, लेकिन मायावती ने इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए फिर दोबारा मीडिया में आए और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से बहुजन समाज और सपा का गठबंधन हुआ है पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस की आंखों में किरकिरी बना हुआ है, और उन्होंने कहा कि जब से गठबंधन को लेके सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल मुझे अपना बड़ा मानकर बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। वहीं मायावती ने कहा कि बसपा ने भी अपने सभी गिले शिकवे मिटाकर पूरा ही स्नेह सपा के साथ दिया है ताकि बहुजन समाज हो सके और भी ज्यादा मजबूत। जो काशीराम साहब का सपना था वो सपना साकार हो सके और एससी एसटी ओबीसी सभी कम्युनिटी मिलकर इस देश में काशीराम साहब के नारे को पूरा कर सके। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मायावती ने खुलासा किया कि जो बहुजन समाज ने जो गठबंधन किया है और जो सपा और बसपा के जो रिश्ते हैं वो अब बिल्कुल खत्म होने वाले नहीं है, वो और भी अच्छे रंग उन्होंने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बसपा की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि रिश्तों को अच्छा बना के रखना, यह बसपा जरूर करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो नतीजे आए हैं वो हमारे बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अगर सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों के साथ अपने लोगों के मिशनरी बनाने में कामयाब हुए तो आगे भी हम साथ साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि जो सपा के कैंडिडेट थे कन्नौज से श्रीमती डिंपल यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से श्री गोपाल यादव के बेटे का हार जाना तो ऐसा लगता है हमें सोचने पर मजबूर करता है, जबकि मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने ईवीएम ने भी किसी कोई कसर नहीं छोड़ी है जिसका अब हम आने वाले टाइम के अंदर पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के मजबूत गठबंधन और बेस वोट इतना सपा का और बसपा का है कि इन सीटों पे ही नहीं इतने बड़ी सीटों पर भी इन पार्टियों का हारना नामुमकिन जैसा है। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग उपचुनावों के अंदर अपनी 11 सीटों पर खुद ही लड़ेंगे और गठबंधन पर अभी थोड़े टाइम के लिए ब्रेक रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।